हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ फिर से एक बार नए व्लॉग के साथ। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ धनतेरस की शॉपिंग, जो मैंने धनतेरस पे क्या क्या दिवाली के लिए कपड़े वगैरह ज्वेलर वगैरह जो भी मैंने ख़रीदा है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर रही हूँ मेरी ज्वेलरी। ज्वेलरी में मैंने यहाँ पे ली है एयरिंग्स, आपको मैं दिखाती हूँ पास से। आप देख सकते हैं ये ऐसी एयरिंग्स है, ये मैंने ली है डेली वेयर में पहनने के लिए, एकदम लाइट वेट है ये। दूसरी मैंने यहाँ पे ली है रिंग, ये सिल्वर रिंग है, एकदम सिंपल है और सोबर है, बहुत सुंदर है। इसमें एक यहाँ पे डायमंड लगा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। एक मैंने ये यहाँ पे रिंग दी है और एक मैंने यहाँ पे सेट लिया है टो रिंग का। इसमें यहाँ पे वाइट कलर का एक मोती लगा हुआ है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो। मैंने ज्वेलरी में एक ये टो रिंग दी है, ये भी सिल्वर की है। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने डेकोरेशन के क्या सामान लिया है। डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा ही लिया है। एक तो ये तोरण ली है, आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें जो है शुभ दीपावली, आप जैसे देख सकते हो शुभ दीपावली लिखा है इस पर, और ये आप लोगों को उल्टी दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर इनके हैं लक्ष्मी जी, यहाँ पर लक्ष्मी जी की है एक मूर्ति, और यहाँ पर है गणेश जी की, और यहाँ ये इस तरह से इस पर कुर्ता जो पट्टी होती है उसका वर्क हो रखा है। एक मैंने यहाँ पे लिया है ये, और चौकी पे जहाँ पे हमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है चौकी पे बिछाने के लिए, एक मैंने मैट लिया है, रेड कलर में है ये। इस पर भी गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है और बीच में इसमें साथिया बना हुआ है, आप जैसे देख सकते हो, जो रेड कलर में है और ये वेलवेट में है, वेलवेट का कपड़ा है ये। फिर यहाँ पे मैंने ली है लटकन ली है, ये लटकन एक लटकन ली है, ये एक का सेट है, ये एक आप जैसे देख सकते हैं, ये इसमें एक के सेट में दो आई हैं। इसमें ये पोम पोम लगे हुए हैं और यहाँ पे ये येलो रेड ग्रीन कलर के पोम पोम लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये लकड़ी के गणेश जी बने हुए हैं, और यहाँ पे जो एंड में है यहाँ पे गोल्डन कलर की एक बेल लगी हुई है। इस तरह से मैंने ये लटकन ली है, आप जैसे देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टील के जो बर्तन हैं उसमें मैंने प्लेट ली है। इस प्लेट में ये इस तरह के मैंने प्लेट ली है, इसमें जैसे यहाँ पे और चपाती, यहाँ पे राइस, रायता हो या दाल सब्जी, ऐसे कुछ पूरा वेज थाली बनाना हो तो इसमें हम एक साथ डाल के सर्व कर सकते हैं। मैंने ये दो पीस लिए हैं थाली के। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमारे कपड़े जो हमने लिए हैं, जो मैंने मेरे लिए हैं, ये मैंने हैदराबाद से ही बाय कर लिए थे मैक्स में से। ये यहाँ पे एक टॉप है, ये थोड़ा मैशी हो रखा है क्योंकि सूटकेस में था, मैंने हैदराबाद से लिया था, तो घर पे आए तब थोड़ा पैकिंग के टाइम ये थोड़ा मैशी हो गया था। इसके नीचे की स्कर्ट है, ये सी ग्रीन कलर का है ये, इसमें आप जैसे देख सकते हो, इसमें नीचे है ये गोल्डन कलर है, और इसमें ये ऑरेंजिश कलर का जो है वर्क है इसमें साथ में गोल्डन के साथ, और यहाँ पे नीचे इस पर गोटा पट्टी का ये है लेस लगी हुई है। इस तरह से ये एक ड्रेस मेरा है, ये मैंने पहले ही बाय कर लिया था। फिर हम लेके आए हैं जीन्स के कपड़े। यहाँ पे मैंने जीन्स के कपड़ों में पहले तो एक लोअर लिया है ये, यहाँ पे ये भी जीन्स की पैंट है एक, ये डार्क ब्लू कलर में है जैसे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे जो मैं कपड़े दिखा रही हूँ इसमें मेरे और जियांस के ही कपड़े हैं। मैंने मिहिर के और साहब के कपड़े हमने नहीं खरीदे थे क्योंकि मिहिर के कपड़े हमें पसंद नहीं आए थे और थोड़ा टाइम लेट हो रहा था, तो साहब ने बोला कि मिहिर के और साहब के कपड़े हम बाद में दिवाली के बाद में हम शॉपिंग करेंगे। आपको थोड़ा गाड़ी का इनका आवाज़ आ रहा होगा बैकग्राउंड में। मेरे यहाँ पे मार्केट है तो पीछे व्हीकल्स जाते हैं तो उनके हॉर्न की इनका थोड़ा आपको आवाज़ सुनाई देगा, उसको इग्नोर करना प्लीज़। और एक ये है पैंट, ये भी जियांस की ही है ये पैंट भी। एक ये शर्ट है, ये भी हमने जियांस की ही खरीदी है। ये चेक्स में है, ये इसमें वाइट और ग्रे चेक्स में शर्ट है। तो जो शॉपिंग थी वो इतनी ही थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। जैसे आप जानते हो अभी फेस्टिवल चल रहा है तो बिना रेसिपी के तो लोग पूरा होगा नहीं, तो आप लोगों के साथ मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ नमक पारे, काफ़ी लोग इनको मटर भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इनको मटर बोलते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। उसके लिए मैंने मैदा ले ली है, मैदा में फिर मैंने अजवाइन जो है हाथ से थोड़ी मैश करके डाल दी है। अजवाइन को काफ़ी लोग हाजमा भी बोलते हैं, तो आप जो भी अजवाइन हाजमा बोलते हैं वो इसमें थोड़ा डाल दीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने हिसाब से डालिए ज़्यादा कम जो आपका टेस्ट है। इसके बाद मैं इसमें मोइन के लिए डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। मैंने ये रिफाइंड ऑयल 2 स्पून के करीब, जो बड़े वाला स्पून होता है वो 2 स्पून के करीब इसमें मैंने डाल दिया है। वो डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मेथी हो, जो कसूरी मेथी, वो भी आप इसमें डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर नहीं डाला था। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जो सूजी होती है वो डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी जितनी इसमें सूजी डाली है। सूजी से थोड़े क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं, इनका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, तो मैंने यहाँ पे सूजी ऐड कर दी थी। सूजी ऐड करने के बाद हम इन सबको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद पहले जो भी इसमें हमने डाला है वो अच्छे से आटे से मसल के मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको आटा गूंदेंगे। हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा मिलाकर ही डालेंगे। एक बार पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मेरा जो आटा था वो लगा लिया है, ये हमारा आटा लग के रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है। हम इसको मीडियम हीट पर ही धीरे धीरे गरम होने देंगे तेल को। जब तक हमारा तेल गरम होता है तब तक हम जो नमक पारे हैं उनको साइज़ में काट लेंगे। पहले हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसका बराबर साइज़ में हम इनकी मोटी मोटी लोई बना लेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 4 मेरी लोई बनी है, वो मैंने अलग अलग कर ली है। इसके बाद एक लोई लेंगे और हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मैं दबा के मसलेंगे। मसलने के बाद इसको हम अच्छे से आटे की, जैसे रोटियां बनाते हैं उसमें आटे की लोई बनाते हैं, वैसे इसको हम बना लेंगे। वैसे बनाने के बाद हम इसको हाथों से प्रेस करके अच्छे से इसकी एक पतली सी रोटी बनाएंगे बेलन की मदद से। यहाँ पर मैं इसको बेलने लग रही हूँ, इसको जितना हो सके आप बेल सकते हैं क्योंकि हमें ये पतले पतले बनाने हैं। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से जितना मेरे से बेला गया उतना मैंने इसको अच्छे से बेल लिया। इसके बाद मैंने इनके ये पीस कर लिए हैं, मैंने ये लंबे लंबे लेंथ वाइज में इसके पीस किए हैं। आप अपने हिसाब से इनको लेंथ वाइज या स्क्वायर में या रेक्टेंगल में जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप पीस कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इनको ऑयल में डाल दिया था। ऑयल में इनको हमें मीडियम हीट पे ही पकाना है। अगर हम इसको ज़्यादा गैस तेज़ करके पकाएंगे तो जो बाहर से हैं वो तो रेड हो जाएंगे, जो अंदर की तरफ से हैं वो कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें इनको मीडियम गैस पे धीरे धीरे ही करके पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएँ और कच्चे ना रहें। आप देख सकते हैं मेरे अभी ये
गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं हल्के हल्के, हमें इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है तेल में। ये थोड़े थोड़े पकने लग गए हैं जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए एकदम ये पककर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे, देखिए इनका कलर एकदम अच्छे से आ गया है। हम इनको और नहीं पकाएंगे, ये अभी पूरी तरह से पक के रेडी हो गए हैं। अब हम इनको ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस करके मैंने मेरे सारे नमक पारे तैयार कर लिए थे, एक एक करके सारी लोई थी उनको बेल के और इसी शेप में लेंथ वाइज कट करके मैंने सारे बना लिए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।